पानीपत से जहां शहर के बस स्टैंड पर खड़ी हरियाणा रोडवेज की एक बस में अचानक आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते बस में आग लगी। वहीं आग पर काबू पाने के लिए समय पर फायर सेफ्टी सिलेंडर नहीं मिला और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि समय रहते जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस स्टैंड पर बहुत सी खाली बसें खड़ी थी। आग बुझाने के लिए समय पर फायर सेफ्टी सिलेंडर नहीं मिला और जब मिला तो उससे आग बुझाने की कोशिश नाकाम रही और जैसे तैसे पानी डालकर बस में लगी आग बुझाई। हिंद एक्सप्रेस के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। We'll be right back.